रानी राजस्थान की लोक कथा सुनेली का कुआं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था नरसी की धारणी। राजस्थान के और भी गांवों की तरह इस गांवों में पानी की बहुत कमी थी। बहू बेटियां मटका ले घड़ा लेकर दूर दूर जाती और पानी लेकर आती। इस गांव की एक बिंदड़ी थी सुनेली। वह घर का सारा कामकाज कर पानी लाकर रख देती थी और वो शाम तक थक जाती थी। एक दिन जब वो पानी लेकर आ रही थी धारणी की तरफ तो उसे एक केजड़े का पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे गीली मिट्टी दिखाई दी। उसने सोचा यह चूहा जगह जगह बिल खोद देते हैं और इनकी खुदी भी मिट्टी तो गीली है। अगर हम यहाँ कुआं खोदे तो हमको ज्यादा दूर पानी लेना नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से ले आएंगे। वो फटाफट घर गई और अपने बेटों से बोला कि फटाफट फावड़ा लो और मेरे साथ चलो खुदाई करने पेड़ के पास। वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो गांव वासी है सब उसको समझाते पर वो नहीं समझती है और खुद ही फावड़ा लेकर चली जाती है खेजड़े के पेड़ के पास खुदाई करने। वो खुद खुदाई करती है। अगले दिन उसके बेटे आते हैं। सुनेली की मेहनत देख के वो भी उसका हाथ बटाते हैं। फिर वो दोनों बहुत ही काम करते हैं, बहुत ही खुदाई करते हैं। शाम को जब वो धानी लौटते हैं तो धानी वाले लोग सब उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर ऐसे ही अगले दिन धानी वाले लोग उनकी लगन और विश्वास को देखकर वो भी उसका हाथ बटाते हैं। जल्दी कुआं बन जाता है, गीली मिट्टी निकल जाती है, शीतल और मीठा पानी उस कुएं में से आता है। सभी सुनेली की जय जयकार करते हैं। सुनेली बोलती है कि अगर आप लोग मेरा हाथ नहीं बटाते तो मैं यह काम नहीं कर पाती। अभी भी उस कुएं का पानी नहीं खत्म होता और वो कुआं सुनेली के नाम से जाना जाता है, सुनेली का कुआं। थैंक यू।